श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः, ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। बंदो गुरु परंपरा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हम लोग फिर से प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। हमारे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, सर्वत्र हरियाली है, प्रकृति की गोद है। हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा ने जो बताया था, धूप मिट्टी पानी हवा सब रोगों की यही दवा। तो हमें जो हमारा रूट है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारा विलेज है, वी हैव टू बी फर्मली अटैच्ड टू दैट इफ एट ऑल वी वांट टू रिमेन हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पियर इन लाइफ। अदरवाइज टुडे वी हैव अडॉप्टेड टू अ वेरी वेरी आर्टिफिशियल मोड ऑफ लाइफ विच हैज इनवाइटेड ऑल टाइप ऑफ unnecessary suffering in our life. So let's remain attached to our root, to our ancestors and to our villages. Baba Goswami Tulsidas Ji Maharaj Ramcharit Manas Bal Kand mein hame Prayagraj mein leke chalte hain, jahan unhone Bharadwaj Muni ke ashram का वर्णन किया है। बाबा जी बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का वास है, जहां हर वर्ष आज भी माघ के महीने में पूरे माह भर मेला लगता है। तमाम प्रकार के लोग लाखों करोड़ों में वहां आते हैं, स्नान करते हैं और भगवान राम के चरणों का ध्यान मनन आदि करते हैं। तो आज बाबा जी हमें भरद्वाज ऋषि के आश्रम के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि जितने लोग भी वहाँ आते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे धनुज हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो भी हो, वो सब लोग वहाँ आकर के त्रिवेणी संगम में सुबह में स्नान करते हैं और उसके बाद वेणी माधव की प्रसन्नता पूर्वक पूजा अर्चन करते हैं। तो भरद्वाज जी के विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं और कहते हैं, पूजहि माधव पूजहि माधव पद जल जाता परसि अखय बटु हरसहि गाता। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जितने भी देवी देवता मनुज
नाग, किन्नर, दैत्य, दानव सब लोग आते हैं। वह सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और बेणी माधव की खूब प्रेम से पूजा करते हैं। और उसके बाद जो अक्षय वट है उसका स्पर्श करके उनके जो शरीर हैं वह पुलकित होते हैं। अक्षय वट के विषय में ऐसी मान्यता है कि उसका उनका कभी भी किसी भी कल्प में नाश नहीं होता है और वो साक्षात भगवान राम का जो प्रेम है उसके अवतार हैं। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम का वर्णन करते हैं कि उनका आश्रम कैसा है, कैसा दिखता है, लोगों को क्यों बहुत मनोहर लगता है। बाबा जी लिखते हैं, भरद्वाज आश्रम अति पावन परम राम्य मुनि बर मन भावन श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि भरद्वाज जी का जो आश्रम है वह बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय है और जो श्रेष्ठ मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महाजन हैं, ब्राह्मण हैं, उन सब के मन को लुभाने वाला है, इसलिए यह सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहाँ निवास करते हैं तथा हरिहर के जो गुण हैं, गाथा हैं, उसको कहते हैं, सुनते हैं। आगे बाबा जी बताते हैं, तहा हो ये पुनि ऋषय समाज जाहि जमाजन तीरथ राजा श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कि जो तीर्थराज प्रयाग में ये जितने भी लोग जाते हैं सब लोग प्रेम से स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप और अर्चन करते हैं और जो ऋषि मुनियों का समाज है उन सब का जो समूह है वह भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। मजहि प्रात समेत उछा कहे परस्कर हरि गुण गा श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बाबा जी बताते हैं ये सभी लोग जो भी वहाँ आते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न प्रदेशों से जो भी आते हैं, ये सब लोग बहुत ही उत्साह में रहते हैं, उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और उस उत्साह में ही अक्षय वट का दर्शन करते हैं तथा भगवान राम के गुणों का गान करते हैं। इस तरह से भगवान राम के गुणों का गान और गाथा करते करते उनका समय बीतता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग् भवेत् हर हर महादेव जय सिया राम ओम शांति ही शांति ही शांति ही राम।